लोकसभा चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर अब हर सियासी दल ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस की पहली सूची के बाद कल समाजवादी पार्टी ने भी सूबे से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। वहीं अब कांग्रेस पार्टी ने बाकी जगह से भी कार्यकर्ताओं से तेजी से फीडबैक लेनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राणा गोस्वामी महानगर पहुंचे और दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से संगठन और उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की। वहीं सूबे में गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल छोटी पार्टियों से बातचीत जारी है, जल्द अगले एक दो दिनों में मुरादाबाद से भी प्रत्याशी की घोषणा हो सकती है। उसके लिए भी वोट मांगेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहता हूँ ना, पाकिस्तान को लेके वो लोग पॉलिटिक्स करता है। अब यही नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में जाके केक काटता है, पुलाव खाता है, बिरयानी खाता है। नहीं, आप ही के मच्छर की अलग नहीं, कांग्रेस डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी तो लिया। 1971 में तो इंदिरा जी ने पाकिस्तान को हरा के बांग्लादेश टुकड़ा किया जी। पाकिस्तान को सर लड़ाई करके 2071 में तो बांग्लादेश बनाया कांग्रेस के सबूत शिकायत गई मेरे लगभग। मैं कह रहा हूँ ना, सब मेरे को, मैं कहता हूँ छोटा बड़ा पार्टी एक दूसरे हो सके, छोटा छोटा पार्टी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए, कोई पार्टी हो रहा है, मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन अगर पार्टी करेंगे तो अभी तक कोई फैसला नहीं है। छोटा पार्टी कोई एक दूसरे साथ हो सकता, सपा बसपा से नहीं है अभी तक कोई नहीं है। अगर करेगा तो हाईकमान करेगा, लेकिन अभी तक हाईकमान ने कोई फैसला नहीं लिया। अच्छा, बीजेपी आने वाला चुनाव कार्यकर्ता उसका लिए सब है। कार्यकर्ता अगर नहीं रहेगा तब तो राहुल जी कैसे रहे? राहुल जी का कैपिटल है कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता का सम्मान करता है। इसी सम्मान के लिए मुरादाबाद में आया। नहीं, मुरादाबाद पे ज्यादा फोकस कांग्रेस का है, क्या कहें, रॉबर्ट वाड्रा के लिए इस तरीके की तैयारियां की जा रही है कुछ? मैं कहता हूँ ना, जो भी होगा आपको दो दिन में पता चल जाएगा, दो तीन दिन में। और मुरादाबाद का सीट कांग्रेस पार्टी जीत रहा है, और आने वाला दिनों में आप लोग कांग्रेस पार्टी का और सीट देखेंगे जहाँ जहाँ लड़ेंगे। इस मंडल में उनका अभी तक कोई तैयारियां नहीं है, कोई बातचीत ऐसा फाइनल नहीं है। एक दो छोटा पार्टी से हो सकता है, लेकिन बड़ा पार्टी से अभी तक कोई फाइनल नहीं है। समाजवादी या बसपा से बात चल रही है तो अभी देखिए, अभी तक कोई फाइनल नहीं है। नहीं, बातचीत हो रही है या नहीं? नहीं, अभी तक कोई तो अखबार में है, हमारे साथ डायरेक्टली कोई बातचीत नहीं है। डायरेक्ट बातचीत कोई अभी तक नहीं है, क्योंकि हम एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ, मुरादाबाद सीट कांग्रेस पार्टी लड़ेंगे। मतलब सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आज मुरादाबाद में आगमन हुआ है, क्या तैयारियां रहेंगी और किस मकसद से आज मुरादाबाद आगमन हुआ? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे सेक्रेटरी का रूप से नया जिम्मेवारी हमारा ऊपर सौंपा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। उससे पहले दूसरा मेरा कोई दोस्त यहाँ था, और अभी मेरा राहुल गांधी जी ने मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सेक्रेटरी सचिव रूप से प्रभारियों को मिलने के लिए आज पहले बार है जी। मैं पहले बार आया हूँ, पहले आके मेरे सारा कांग्रेस परिवार को, नेता को मिल रहा हूँ। और आगे आगे सामने चुनाव है, 19 का मिशन है, वो मिशन में कामयाब लाने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं से छोला मशुरा करूँगा, विचार करूँगा किसको कैंडिडेट बनाने से यहाँ हमारा मुरादाबाद सीट को जीत सकते हैं, राहुल जी को हाथ मजबूत कर सकते हैं। इसी सिलसिले में हम यहाँ आए हैं, साथ साथ में संगठन के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन संगठन के बारे में दोबारा जब आएंगे लगातार पाकिस्तान के लिए मारे गए राजबब्बर जी उसमें मौजूद थे, क्या कहेंगे? क्या कहा कुछ नहीं कहा था, अगर पाकिस्तान से भी जनता आ जाए तो कांग्रेस ने नहीं कहा। मेरे बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता तो छोड़िए, कोई कार्यकर्ता भी ऐसा बात बोल नहीं सकता, ये मैं कभी नहीं मानता। लेकिन उनका समर्थक, उनके समर्थन सवाल है नहीं पाकिस्तान, राजबब्बर जी देखिए, हिंदुस्तान ऐसे है, कांग्रेस ऐसे एक पार्टी है, आज हिंदुस्तान को बसा कर रखा है तो कांग्रेस पार्टी ने बसा कर रखा है, कांग्रेस पार्टी ने उसको खड़ा किया है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी सरकार आके पाकिस्तान को लेके, बांग्लादेश को लेके पॉलिटिक्स करता है, कांग्रेस पार्टी इससे लेके कभी पॉलिटिक्स नहीं करेगा, हिंदुस्तानियों के लिए काम करता है, हिंदुस्तानियों के लिए काम करेगा। नहीं, महान दल जैसा गठबंधन आपको लगातार दो तीन दिन में दूसरा सीट से निकल जाएंगे, मुरादाबाद का भी होगा, यहाँ से मुरादाबाद भी निकल रहे हैं। मैं यहाँ से जाने के बाद हाईकमान को रिपोर्ट छपूंगा, तुरंत मुरादाबाद का कैंडिडेट का लिस्ट जारी हो रहा है। क्या मुरादाबाद में कोई बाहरी प्रत्याशी की उम्मीद जताई जाए? देखिए, अंदर हो बाहर हो,
जो जितना वाला प्रत्याशी होगा जो कार्यकर्ता स्वीकार करेगा। रॉबर्ट वाड्रा का नाम मुरादाबाद से, समय में सब सब आपको पता लग जाएगा। कार्यकर्ता को देखिए, कार्यकर्ता जो कहेगा वही होगा, क्योंकि कार्यकर्ता हमारा बैंक बैलेंस है, कार्यकर्ता हमारा सब कुछ है। इसीलिए राहुल जी ने भेजा है, अगर किसी कोई भी अगर कोई अपना आदमी लड़ता तो इसको सर्वे करने के लिए नहीं भेजता, प्रियंका जी सिंधिया जी नहीं भेजता। आज मुरादाबाद क्यों भेजा है, इसलिए भेजा जाए किसको देने से ठीक रहेगा, कार्यकर्ता से जाके बात करो। और लगातार उनसे बात की जा रही थी, क्या कहें, क्या ऐसा होना चाहिए, वहाँ पर पाकिस्तान के प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। महान दल, देखिए महान दल हमारा दल नहीं है, कांग्रेस पार्टी हमारा, कांग्रेस पार्टी हमारे राहुल जी का नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी महात्मा जी का नेतृत्व में, नेहरू का नेतृत्व में, हमारा इंदिरा जी के नेतृत्व में चलने वाला पार्टी है, राहुल जी का नेतृत्व में चल रहा है कांग्रेस पार्टी। इसे कभी बोल नहीं सकता, न भविष्य में बोलेगा। देखिए, जहाँ पे हिंदी भाषी है, जहाँ पे साउथ इंडियन है, वहाँ पे बीजेपी नहीं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाया है, जहाँ में हिंदू बंगाली लुक है, बंगाली जो बंगाली भाषा बोलता है, उसको टारगेट करने के लिए ही हिंदू जो सिटीजनशिप बिल अमेंडमेंट बिल लाया था, लेकिन राज्यसभा में उन्होंने पास कर नहीं सका कांग्रेस का और विरोधी पार्टी के सामने, इसलिए लाया था। उसको मालूम है जब उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में लगा रहा था 400 बार ने क्या लगा रहा था 400 पार। तो देखिए, ये सब करके मेरा उत्तर प्रदेश में कितना शहीद जवान आज ये हो गया, शहीद जवान शहीद हो गया। मेरा असम में भी उस कांड में CRPF जवान शहीद हो गया, उसको लेके पॉलिटिक्स करना कभी माफ नहीं करेंगे। हमारा हिंदुस्तान का जनता भी उसको माफ नहीं करेंगे। आने वाला दिनों में नरेंद्र मोदी जी को सरकार को सबूत सिखाएंगे। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती तो क्या कर सकती, क्या करना चाहिए, क्या करती कांग्रेस? कांग्रेस तो कार्रवाई किया है, कितना किया है। आज मनमोहन सिंह का सरकार का 10 सालों में जितना जवान शहीद हुआ है, उससे 10 गुना शहीद हुआ है नरेंद्र मोदी का 4 साल में, उसका जवाब कौन देगा? आज की हिसाब से आज एक उन्होंने कहा प्रसार माध्यम में आया, मीडिया में आया। मैं कहता हूं जो 80 लोकसभा हम लोग लड़ेंगे, उसमें मुरादाबाद में, अभी मैं मुरादाबाद धरती पे हूं, इसलिए मैं मुरादाबाद का क्लियर कर रहा हूं। नहीं तो माने कि अभी भी गठबंधन की उम्मीद है? देखिए, अभी कांग्रेस अपना ताकत से लड़ेंगे, अपना ताकत अपना विचार से कांग्रेस लड़ेंगे। अब कांग्रेस का पास ताकत आ गया है, प्रियंका जी जब और सिंधिया जी जब कमान संभाला है, उसका बाद कार्यकर्ता को भी काफ़ी जोश है, नया पीढ़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए हमारा स्थिति मजबूत है। जैसे 2009 में हमारा 21 सीट जीता था, उससे भी ज़्यादा जीत के हम लोग दिखाएंगे इस बार, और आने वाला दिनों में कांग्रेस का पल्ला भारी होगा।